महिला होने के नाते मैं उनका सम्मान करता हूं, जो लेकिन उन्होंने सारी मर्यादाएं तोड़ी और जिस प्रकार से उन्होंने सिखों के बारे में, सरदारों के बारे में और किसानों के बारे में टिप्पणी की, मैं ये पंजाब के और देश के पंजाबियों को ये गुजारिश करूंगा, नॉन पंजाबियों को भी गुजारिश करूंगा, हिमाचल भाइयों को भी गुजारिश करूंगा, कंगना को वोट मत देना, पहले उनसे माफी मंगवाना, फिर उनको हरवाना और फिर उनको बताना कि अगली बार जब चुनाव लड़ोगे तो फिर आपको वोट डालेंगे, क्योंकि जिस प्रकार की आपने शब्दों का इस्तेमाल किया देश के अंधता के लिए, वो ठीक नहीं था। ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए। बठिंडा सीट को लेकर बड़ा कहा जा रहा है अभी। देखो, महिला होने के नाते मैं उनका सम्मान करता हूं, जो लेकिन उन्होंने सारी मर्यादाएं तोड़ी और जिस प्रकार से उन्होंने सिखों के बारे में, सरदारों के बारे में और किसानों के बारे में टिप्पणी की, मैं ये पंजाब के और देश के पंजाबियों को ये गुजारिश करूंगा, नॉन पंजाबियों को भी गुजारिश करूंगा, हिमाचल भाइयों को भी गुजारिश करूंगा, कंगना को वोट मत देना, पहले उनसे माफी मंगवाना, फिर उनको हरवाना और फिर उनको बताना कि अगली बार जब चुनाव लड़ोगे तो फिर आपको वोट डालेंगे, क्योंकि जिस प्रकार की आपने शब्दों का इस्तेमाल किया देश के अंधता के लिए, वो ठीक नहीं था। ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए। बठिंडा सीट को लेकर बड़ा कहा जा रहा है अभी। देखो, महिला होने के नाते मैं उनका सम्मान करता हूं, जो लेकिन उन्होंने सारी मर्यादाएं तोड़ी और जिस प्रकार से उन्होंने सिखों के बारे में, सरदारों के बारे में और किसानों के बारे में टिप्पणी की, मैं ये पंजाब के और देश के पंजाबियों को ये गुजारिश करूंगा, नॉन पंजाबियों को भी गुजारिश करूंगा, हिमाचल भाइयों को भी गुजारिश करूंगा, कंगना को वोट मत देना, पहले उनसे माफी मंगवाना, फिर उनको हरवाना और फिर उनको बताना कि अगली बार जब चुनाव लड़ोगे तो फिर आपको वोट डालेंगे, क्योंकि जिस प्रकार की आपने शब्दों का इस्तेमाल किया देश के अंधता के लिए, वो ठीक नहीं था। ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए। बठिंडा सीट को लेकर बड़ा कहा जा रहा है अभी। देखो, महिला होने के नाते मैं उनका सम्मान करता हूं, जो लेकिन उन्होंने सारी मर्यादाएं तोड़ी और जिस प्रकार से उन्होंने सिखों के बारे में, सरदारों के बारे में और किसानों के बारे में टिप्पणी की, मैं ये पंजाब के और देश के पंजाबियों को ये गुजारिश करूंगा, नॉन पंजाबियों को भी गुजारिश करूंगा, हिमाचल भाइयों को भी गुजारिश करूंगा, कंगना को वोट मत देना, पहले उनसे माफी मंगवाना, फिर उनको हरवाना और फिर उनको बताना कि अगली बार जब चुनाव लड़ोगे तो फिर आपको वोट डालेंगे, क्योंकि जिस प्रकार की आपने शब्दों का इस्तेमाल किया देश के अंधता के लिए, वो ठीक नहीं था। ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए। बठिंडा सीट को लेकर बड़ा कहा जा रहा है अभी। देखो, महिला होने के नाते मैं उनका सम्मान करता हूं, जो लेकिन उन्होंने सारी मर्यादाएं तोड़ी और जिस प्रकार से उन्होंने सिखों के बारे में, सरदारों के बारे में और किसानों के बारे में टिप्पणी की, मैं ये पंजाब के और देश के पंजाबियों को ये गुजारिश करूंगा, नॉन पंजाबियों को भी गुजारिश करूंगा, हिमाचल भाइयों को भी गुजारिश करूंगा, कंगना को वोट मत देना, पहले उनसे माफी मंगवाना, फिर उनको हरवाना और फिर उनको बताना कि अगली बार जब चुनाव लड़ोगे तो फिर आपको वोट डालेंगे, क्योंकि जिस प्रकार की आपने शब्दों का इस्तेमाल किया देश के अंधता के लिए, वो ठीक नहीं था। ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए। बठिंडा सीट को लेकर बड़ा कहा जा रहा है अभी।